بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज हमने अल्लाह के फजलो करम से 29वीं तरावीह मुकम्मल की और इंशाअल्लाह हम लोग आज 28वें पारे की कुरान की तफसीर सुनेंगे। और माशाअल्लाह ये जानकर खुशी हुई कि आपके यहाँ पर हर साल शबे कदर में की जो ताक रातें हैं उसमें जागने का एहतमाम होता है। और इसी तरीके से पिछले साल भी मुझे आपकी खिदमत में जो है एक ताक रात में पहुंचने का मौका मिला था, इस साल भी अल्लाह तबारक व तआला ने पहुंचाया है। तो मैं इंशाअल्लाह 28वें पारे की हमारी तफसीर बाकी है वही आप लोगों के सामने आज सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। 28वां जो पारा है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इसके अंदर जो दूसरी सूरत है सूरह हश्र, उसके आखिर की तीन आयतों में अल्लाह तबारक व तआला की सिफात बयान की गई है। खुद अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सिफात बयान की है और ये फरमाया है कि हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ। ये सबसे आखिर की आयत और सबसे पहली जो आयत है उसमें अल्लाह फरमाते हैं हुवल लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुभानल्लाहि अम्मा युशरिकून। ये जो है आयतें, इनमें अल्लाह तबारक व तआला के सिफाती नाम बयान किए गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला के कुरान पाक में जो सिफाती नाम मिलते हैं वो 99 है। उसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला के बेशुमार सिफाती नाम हैं और इसमें ज़ाती जो है अल्लाह तबारक व तआला का वो सिर्फ एक है और वो है लफ्ज़ अल्लाह। कौन सा लफ्ज़ है भाई? वो अल्लाह। अल्लाह जो लफ्ज़ है ये अल्लाह तबारक व तआला का इसमें ज़ाती है और ये बाकी तमाम जो नाम है, मलिक यानी अल्लाह की सिफत है बादशाह, अल्लाह तमाम जहानों के बादशाह हैं और अल्लाह सबसे बड़े हुए हैं, सबसे इज्जत वाले अल्लाह ही है। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल, इसमें जो अल्लाह की सिफत बयान की है कि सलामती वाली जो ज़ात है वो किसकी ज़ात है? सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अब ये तमाम जो नाम है अल्लाह तबारक व तआला के, हर नाम की सिफत अलग अलग है और हम जिस नाम को जिस सिफत के साथ में पढ़ेंगे वैसे असरात भी हमारे ऊपर मुरत्तब होंगे। ये जो अल्लाह का इसमें ज़ाती है लफ्ज़ अल्लाह, इसे उलामा फरमाते हैं ये अल्लाह का सबसे जलाली नाम है और अगर आदमी इसके पढ़ने का एहतमाम करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल की गंदगियों को दूर करके बहुत जल्दी उसके कल्ब में अनवारात पैदा करेंगे। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने उसका एक तरीक़ा लिखा है कि जब इंसान तसव्वुफ़ को इख्तियार करने का इरादा करे सबसे पहले वो सलातु तौबा की दो रकात नमाज पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहे, अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी के, अय अल्लाह मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। और जब सारे गुनाह माफ़ हो गए उसकी मिसाल ऐसी हो गई जैसे मिसाल के तौर पे एक आदमी एक कपड़े पे नील लगाना चाहता है। नील लगाने से पहले ज़रूरी यह है कि वो कपड़े को आप अच्छी तरह से धो ले और धोने के बाद जब उसको नील देंगे तो वो नील का उसके ऊपर कलर आएगा। अगर गंदे कपड़ों पर कोई नील देगा तो उसका असर नहीं होगा। ऐसे ही हमारा दिल दुनिया की गंदगियों में गुनाहों की गंदगियों की वजह से काला हो जाता है। तो जब इंसान सलातु तौबा की नमाज पढ़ता है इसका मतलब ये है कि वो अपने दिल की गंदगी को दूर करता है और अल्लाह से ये दुआ करता है कि अय अल्लाह मेरे दिल की गंदगी को हमेशा के लिए पाक कर दे। अब अल्लाह ने उसके दिल की गंदगी को पाक कर दिया। ये जो अल्लाह का ज़ाती नाम है इसमें ज़ाती जिसको लफ्ज़ अल्लाह कहते हैं,
इसकी मिसाल वैसी ही हुई जैसे मैंने कहा नील देने का। अब दिल की गंदगी दूर हो गई, अब आपको इसमें नूर अगर पैदा करने का है तो जब आप इसमें जाती का विर्द करेंगे रोज़ाना 500 मरतबा कंटिन्यू, और उसका तरीका ये है कि अल्लाह की ज़ात का ध्यान करते हुए क़िबले की तरफ मांडी डालकर या दो दानों पूरा ध्यान लगाकर बैठे, सर झुकाकर अल्लाह 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 सिर्फ अल्लाह के ये नाम को 500 मरतबा हम रोज़ाना पढ़ें, हमारे दिल के अंदर रोज़ाना थोड़ा थोड़ा नूर पैदा होगा। और होते होते एक दिन आदमी की ये हालत होंगी जैसे अल्लाह के वलियों की सिफात होती है कि जब अल्लाह तबारक व तआला से वो हाथ उठाकर किसी चीज़ की दुआ मांगते हैं, अल्लाह वो हाथ उठाने से पहले उनकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। ये सिफत कब आएंगी? जब अल्लाह से हमारा गहरा ताल्लुक होगा, फिर अल्लाह का इश्क दिल के अंदर आएगा, अल्लाह की मोहब्बत दिल के अंदर आएगी इसमें जाती के साथ में। लेकिन दुनिया का एक कायदा ये है कि हम दुनिया का जब भी कोई काम करते हैं तो बग़ैर गाइड के, बग़ैर रहबर के, बग़ैर मुअल्लिम के उसको नहीं अंजाम दे सकते हैं। यहाँ तक कि मामूली अगर हमको गाड़ी भी चलाना है उसको भी किसी से सीखना पड़ता है। यहाँ तक कि छोटे से छोटा अगर हमको काम करना है बग़ैर सीखे के हम उसको अंजाम नहीं दे सकते, बग़ैर ट्रेनिंग के और बग़ैर ट्रेनर के। ये अल्लाह के नाम को लेने का भी एक तरीका है, ये भी हमको एक ट्रेनर के अंडर में रहकर करना पड़ेगा। और वो कौन है? वो जो अल्लाह के बड़े वली होते हैं, बड़े सूफिया इकराम होते हैं, जो लोगों को बयात कराते हैं, पहले हम उनको अपना उस्ताद बनाए, अपना मुअल्लिम बनाए, अपना रहबर, अपना रहनुमा बनाए, और उसके बाद उनके अंडर गाइडलाइन के अंदर ये काम करें तो वो हमको फिर गाइडलाइन के हिसाब से बताएंगे कि कितने मरतबा कब पढ़ना चाहिए, कितनी मरतबा नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये हो गया इसमें ज़ाती। अब जो इसमें सिफाती है अल्लाह तबारक व ताला के, हर हर नाम की सिफत अलग है। अब जैसे मिसाल के तौर पे कोई आदमी है वो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, अब अल्लाह का नाम है सलाम, वो अगर रोज़ाना हर फर्ज नमाज के बाद में पूरे ध्यान के साथ में 100 मरतबा सिर्फ लफ्ज सलाम को पढ़े, अस्सलामु अस्सलामु अस्सलामु, वो किसके नाम का विर्द कर रहा है? अल्लाह के नाम का विर्द कर रहा है। अब वो नाम की सिफात उसके अंदर पैदा होगी और अल्लाह तबारक व ताला उसके बीमारियों को, उसके परेशानियों को दूर कर देंगे। इसी तरीके से बुजुर्गाने दीन जो है जिनसे लोग बयात करते हैं वो ये ऐसे औराद और वज़ाइफ लोगों को तलकीन करते हैं, इसलिए कि अल्लाह के हर नाम की सिफत अलग है। अब मिसाल के तौर पे कोई आदमी रोज़ी के लिए परेशान है, कारोबारी लाइन से परेशान है, उसके लिए बुजुर्गाने दीन ने लिखा है हर फर्ज नमाज के बाद क़िबले की तरफ चेहरा करके शुरू में 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और 100 मरतबा या समद पढ़े। क्या पढ़ेगा वो? हाँ, या समद पढ़े या रज़्ज़ाक पढ़े, दोनों को एक साथ में पढ़े या दोनों को एक के बाद एक में पढ़े। अल्लाह तबारक व ताला उसके गरीबी को, उसके तंग दस्ती को, उसके परेशान हाली को दूर करके रोज़ी के दरवाजे उसके लिए खोल देगा। इसलिए कि आप जो है समद नाम लेकर अल्लाह तबारक व ताला की जो इस्तिग़ना वाली जो ज़ात है और अल्लाह तबारक व ताला की जो बेनियाज ज़ात है, अल्लाह तबारक व ताला की बेनियाज ज़ात की गैरत को आप हिला रहे हैं, ललकार रहे हैं कि अय मेरे अल्लाह तू तो बेनियाज है, तेरे पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, जब तेरे पास कुछ कमी किसी चीज़ की कमी नहीं है फिर मैं क्यों परेशान हाल हूँ। आप ये नाम ले लेकर अल्लाह को जब पुकार रहे हैं तो फिर अल्लाह तबारक व ताला की जो ज़ात है वो सबसे ज़्यादा गयूर है। अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदे की इस पुकार पर फौरन लब्बैक कहकर उसकी तंग दस्ती को, उसके परेशान हाली को, हालात में जिसमें वो चल रहा है, अपने फजल व करम से दूर फरमा कर रोज़ी और रिज़्क के दरवाज़ों को उसके लिए खोल देते हैं। तो ये तमाम नाम है, मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल के तौर पर दो चार नाम बता रहा हूँ। आप अगर किताबों में देखेंगे आपको हर नाम की सिफत अलग अलग मिलेंगी। अल्लाह के जितने नाम हैं, या करीम है उसके अंदर, या रहीम है, या लतीफ़ है। मिसाल के तौर पर किसी का मिजाज सख्त है, जैसे मिसाल के तौर पर किसी औरत का शोहर जो है उनका मिजाज सख्त है, गुस्से वाला आदमी है, ज़रा ज़रा सी बात पे उसको गुस्सा आ जाता है, या हमारे ज़माने में आजकल उमूमन माहौल हो चुका है कि बहुत सारे लोग जो है
वो बाहर दोस्तों में अच्छे रहेंगे, हंसेंगे, बातचीत करेंगे, सब करेंगे, लेकिन घर में आने के बाद में बीवी के सामने ऑटोमेटिकली उनका मूड जो है वो चेंज हो जाता है और बहुत से लोग ज़बरदस्ती का गुस्सा जाहिर करना शुरू कर देते हैं। खाना अच्छा भी रहा तो उसमें नुक्स निकालेंगे, चाय अच्छी भी रही तो उसमें भी नुक्स निकालेंगे, वो बिचारी ने कितना भी अच्छा सुलूक करी तो कुछ ना कुछ उसमें आयब निकालेंगे। अब कोई अगर अपने ऐसे खड़ू दामाद से परेशान है, या हमारी जो बहुत सारी माँ बहनें हैं वो इस तरह के अपने शोहरों से परेशान हैं कि उनका शोहर किसी चीज़ से खुश ही नहीं होता, तो ऐसी माँ बहनें और ऐसे जो लोग हैं वो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को ये तलकीन करें कि वो अपने शोहर को जो पानी पिलाने के लिए जिस बर्तन में देती है उसमें रोज़ाना 300 मरतबा या हमीद का विर्द करे। क्या विर्द करेंगे भाई? या हमीद। जिस बर्तन के अंदर उस शोहर को चाय पिलाते हैं या पानी पिलाते हैं उसमें या हमीद का विर्द करके फूके और उसके ज़रिए से उसको पानी पिलाए। अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह ये उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी के टेढ़ेपन को दूर फरमाएंगे, उसके अंदर जो कजी है, उसके अंदर जो गुस्सा है, उसके अंदर जो नाराज़गी है, वो तमाम चीज़ों को दूर करके अल्लाह तबारक व ताला उसके बीवी के लिए उसके दिल में मोहब्बत पैदा फरमाएंगे और उसके लिए नरमी पैदा फरमाएंगे। क्या पैदा फरमाएंगे भाई? हाँ, नरमी पैदा फरमाएंगे। या हमीद, ये किसका नाम है? अल्लाह तबारक व ताला। तो ये पूरे नाम है, ये सिफात है अल्लाह तबारक व ताला की। और जिस सिफत के नाम के साथ में हम अल्लाह तबारक व ताला को बुलाएंगे, अल्लाह की ज़ात इतनी गयूर है, जैसे कि हदीस की किताबों में मिलता है, एक आदमी वो एक बुत की पूजा किया करता था और 70 साल से वो बुत को पुकार रहा था कि या सनम या सनम या सनम, मगर कभी भी वो बुत जो है उसकी तरफ से उसको कुछ रिप्लाई नहीं मिला। एक मर्तबा गलती से उसके ज़ुबान से निकल गया या समद, तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से आसमान से आवाज़ आई कि लब्बैक मेरे बंदे, बोल तू क्या चाहता है। वो कहने लगा कि 70 साल से इसको पुकार रहा हूँ, इसका मुझे अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला, और एक मर्तबा वो भी गलती से अल्लाह का नाम निकल गया तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से क्या आया भाई? फौरन जवाब आया। और देखो, ये जो अल्लाह के नाम है ना, ये इतने पावरफुल होते हैं, मैं अभी आपको नहीं बता सकता हर हर नाम के असरात इंसान पे कैसे पड़ते हैं। अभी मैंने जो आपको कहा, इसमें ज़ात अल्लाह जो है वो इतना जलाली और इतना गरम अल्लाह तबारक व ताला का नाम है, आपको अगर एक्सपीरियंस करना है तो आप करके देखो। सर्दी के मौसम में जब टेम्परेचर अंडर 15 होता है, ऐसे टाइम पे, फजर के टाइम पे, तहज्जुद के टाइम पे, आप पूरे ध्यान के साथ में अगर 500 मरतबा ये विर्द पढ़ने के लिए बैठेंगे, आपके 500 पूरे होने के पहले आपके पूरे कपड़े पसीने के अंदर भीग जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपने मुझे बोलना कि मौलाना आपने ऐसा ऐसा इसका असर बताए थे, लेकिन मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ। बोले ये अल्लाह के नाम के ऐसे असरात होते हैं। इसी तरीके से ये जितने अल्लाह तबारक व ताला के नाम हैं, और हमारे एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, अल्लाह तबारक व ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे, वो अक्सर अपने बयान में ये फरमाया करते थे कि देखो, अल्लाह का नाम अगर तुम गफलत से भी लोगे तो भी उसका असर होगा। ध्यान से लेने पर तो क्या असर होगा हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, गफलत से भी अगर कोई अल्लाह का नाम लेगा उसका भी क्या होगा भाई? असर होगा। इसलिए कि वो अल्लाह के नाम है, इसीलिए कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा। अल्लाह तबारक व तआला के लिए ये बेहतरीन नाम है, तुम अल्लाह तबारक व तआला को इन्हीं बेहतरीन नामों के साथ में पुकारो। किसके साथ में पुकारेंगे? नामों के साथ में पुकारेंगे। तो ये अल्लाह तबारक व ताला के ऐसे ऐसे नाम हैं। और हम अगर अपने आमाल में लाएंगे, इन पे अमल करके देखो, मैंने आपको जो दो चार नाम एग्जाम्पल के तौर पे बताया हूँ, उसके अलावा आप जो है बाद में अगर आपको और भी नामों के बारे में उसके क्या क्या तासुरात है, आप हमारे मुफ्ती साहब से तहकीकात उसके बारे में कर सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे पूरे पारे की आपको तफसीर सुनाना है आगे भी, और उसकी किताबें भी आती हैं हमारे बुजुर्गों की लिखी हुई, आप उसका मुताला करके भी जो है उसके अंदर देख सकते हैं कि अल्लाह के किस नाम की क्या सिफत है और क्या खूबी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे जो है इसको एक सूरत छोड़ के दूसरी सूरत के बाद में सूरह सफ शुरू होती है। सूरह सफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने
बहुत सारी बातें बयान की है, लेकिन जो पॉइंट मैं आप लोगों के सामने बयान करने जा रहा हूं वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें ये बयान किया है कि हजरत ईसा अला नबीयना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और हजरत मूसा अला नबीयना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और उनसे पहले जितने नबी दुनिया में आए, कोई भी नबी दुनिया में ऐसा नहीं आया जिसने अपनी उम्मत को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबऊस होने की बशारत ना दी हो। हर नबी ने अपनी उम्मत को ये बताया कि आखिरी नबी जो आने वाले हैं वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। और जितनी किताबें पुरानी थी, जैसे कि तौरात है, इंजील है, जबूर है, हर किताब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है और हर एक में ये कहा गया है। इसीलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे बाद जो नबी आएंगे मिन बाद इस्मुहु अहमद, उनका नाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। क्या नाम होगा भाई? अहमद होगा। इसीलिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी 99 नाम सिफाती है और आपके जो जाती नाम है वो दो है, एक मुहम्मद है और दूसरा अहमद है। ये दो नाम है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उसके अलावा भी आपके सिफाती नाम हैं, जैसे दाई है, जैसे बशीर है, जैसे नदीर है, जैसे नसीर है, और भी इसके अलावा आपके नाम हैं। कुरान पाक के अंदर आखिरी जो पेज होता है उसके ऊपर जो है आपको ये तमाम नाम मिलेंगे। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बशारतें सिर्फ आसमानी ये किताबों में नहीं, बल्कि हिंदू लोगों के जो धर्म ग्रंथ है और उनके जो चार वैद है, उन वैदों के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बशारत दी है। उसमें भी ये चीज़ें लिखी हुई है, जैसे हिंदू लोगों के जो चार सबसे बड़े वैद है, ऋग वैद है, यजुर्वैद है, अथर्वैद है, साम्य वैद है, ये चारों वैदों के अंदर अल्लाह ने कहा कि वो जो हमारे धर्म संदेशता आएंगे उनका नाम मुहम्मदा होगा। क्या नाम होगा भाई उनका? मुहम्मदा होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया। लेकिन ये तमाम लोग ये जानने के बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए नहीं मानते, ये जितने भी आज गुमराही में हैं और ये जितने भी दीन से दूर हैं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में एक सिफत तो इनकी ये बयान फरमाते हैं कि उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, इन्नल लजीना कफरू सवाउन अलैहिम अ अंदरतहुम अम लम तुंदिरहुम ला युमिनून, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समिहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी, उनके कानों पर मोहर लगा दी, उनके आंखों पर मोहर लगा दी। मोहर कहते हैं जैसे हम लोग किसी चीज को लॉक करते हैं, या हम ये कह सकते हैं अल्लाह ने उनके दिलों को भी लॉक कर दिया, उनके कानों को भी लॉक कर दिया, उनके आंखों को भी लॉक कर दिया। दिल होने के बावजूद, जानने के बावजूद वो अपने दिल के अंदर से जो है मानने को तैयार नहीं। आंखों से देख रहे हैं मगर पर्दा पड़ा हुआ है, कानों से सुन रहे हैं फिर भी पर्दा पड़ा हुआ है, और हिदायत से ये लोग महरूम हैं। वरना ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मालूम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के आखिरी नबी है और अब कयामत तक कोई नबी नहीं आने वाला है, वो भी जानते हैं। इसलिए कि आप देखो हदीस की किताबें उठाकर, आपको मिलेगा जब मेरे और तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, जिस सुबह में आपकी विलादत हुई वो दुनिया की सबसे सुनहरी सुबह थी। वो सुबह में ऐसी ऐसी हवाएं चल रही थी, लोगों ने पूरी जिंदगी में वैसी हवाएं नहीं देखी थी। वो सुबह सबसे ज़्यादा ठंडी थी, वो सुबह का जो सूरज था उसका एक अलग ही नक्श था। वो जो सुबह थी उस सुबह में ईरान का जो बादशाह था किसरा, उसके महल के अंदर के 14 कंगूरे गिर चुके थे, और वो सुबह ऐसी थी कि यहूदियों को पता चल चुका था कि यही वो नूरानी सुबह है जिसमें दुनिया के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो चुके हैं। इसीलिए मक्का मुकर्रमा के अंदर एक बहुत बड़ा यहूदी आलिम, वो तिजारत की गर्ज से आया हुआ था, और वो जानते थे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी ज़मीन में पैदा होंगे जो बिल्कुल रेगिस्तान वाली ज़मीन होंगी, जो एकदम डेजर्ट वाली ज़मीन होंगी, जहाँ पे संगलाख पहाड़ होंगे, और ज़्यादातर लोगों को यही पता था कि वो मक्का मुकर्रमा की ही ज़मीन में होंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, वो जो यहूदी आलिम था उसने जब देख लिया कि यही वो सुबह है, तो वो मुशरिकीन मक्का के पास पहुँचा
और पहुंचने के बाद वो सब बैतुल्लाह के अंदर हरम शरीफ में बैठे हुए थे और ये कहा कि मैं ये चाहता हूं कि मक्के में आप लोग ये तहकीक करो कि आज किसी के घर में कहीं पर कोई बच्चा पैदा हुआ है। लोगों ने जब तहकीक की तो पता चला कि अब्दुल मुत्तलिब जो उस वक्त में हरम शरीफ के जिम्मेदार थे, मक्का मुकर्रमा में कबीले कुरैश के भी सरदार थे, उनके घर पे पोता पैदा हुआ है। उस यहूदी आलिम ने कहा कि देखो एक झलक मैं उस बच्चे की देखना चाहता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब से उसने दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की कि सिर्फ एक झलक मुझे वो बच्चे की बताओ, मैं सिर्फ कंफर्म करना चाहता हूँ कि वो बच्चा आज पैदा हो चुका है या नहीं पैदा हुआ है। इसलिए कि उनके पैदा होने की जितनी भी सिफात थी, जितनी क्वालिटीज हमारी किताबों में लिखी हुई थी, जितनी निशानियाँ थी, जितने सिम्बॉल्स थे, वो सब आज की सुबह में कम्प्लीट हो चुके हैं, बस मैं अपने कन्फर्मेशन के लिए देखना चाहता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब उसको लेकर गए, बाहर खड़ा किया और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर आए और लाने के बाद में जो है हाथ में दिया उस यहूदी आलिम के। उसने जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उसको चक्कर आए, इससे पहले कि हुजूर भी गिरते हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लिया और वो यहूदी राहिब जो था ज़मीन के ऊपर गिर गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब परेशान हो गए कि आखिर क्या हुआ इसे कि मेरे पोतरे को देखते ही ये बेहोश हो गया। वो जब होश में आया कहने लगा कि हाय अफसोस, अब नबूवत वो बनी इसराइल से निकलकर बनी इस्माइल में मुंतकिल हो गई। इसलिए कि जितने नबी आज तक आए थे वो सब बनी इसराइल में आए थे। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अकेले नबी है जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में पैदा हुए। इसलिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक हजरत इस्माइल और दूसरे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। और हजरत इसहाक के जो बेटे थे हजरत याकूब, उनका नाम इसराइल था। और उनके जो 12 बेटे थे वो 12 बेटों से 12 कबीले चले और उनकी नस्ल में सारे नबी पैदा हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत यहया, हजरत ज़करिया, हजरत ईसा, सारे नबी वो नस्ल से चले। इसलिए उन सारे नबियों को बनी इसराइल के नबी कहा जाता है। लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्के में छोड़कर चले गए थे। फिर वहाँ पे वो जमजम का कुआं निकला और लोग आबाद हुए और हजरत इस्माइल ने कबीले जुरहम के लड़की से शादी की। उनकी नस्ल में कोई नबी नहीं आए। आखिरी जो नबी थे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हजरत इस्माइल की औलाद में पैदा हुए। तो यहूदी जान गए, उनको पता चल गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो चुके हैं। वो कहने लगा कि हाय अफसोस, नबूवत बनी इसराइल से मुंतकिल होकर बनी इस्माइल में जा चुकी है। लेकिन जब उसने ये देखा कि बनी इस्माइल में अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आ गए, मगर हसद और जलन की वजह से कि हुजूर बनी इसराइल में क्यों नहीं आए, बनी इस्माइल में क्यों आए, इस वजह से यहूदी आज तक इस्लाम से रुके हुए। यहूदी ऐसे ही नहीं रुके हुए, यहूदियों का सबसे बड़ा जो रीज़न है, ऐसा नहीं है कि यहूदियों को मालूम नहीं है। मैं आपको ऐसे 10 वाक़ियात सुना सकता हूँ यहूदियों के, जिसमें वो लोग जानते थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे और पक्के नबी, मगर इस्लाम से आज भी जो यहूदी है उनको भी 100% कन्फर्म पता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे और पक्के नबी थे, मगर सिर्फ और सिर्फ ये जलन और हसद में कि वो दूसरी बिरादरी में क्यों पैदा हुए, हमारे बिरादरी में क्यों नहीं पैदा हुए। सिर्फ बिरादरी की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर ये लोग आज गुमराह। इसीलिए आप देखो कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 7 साल हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम लेकर गए। और जब मुल्क शाम लेकर गए तो मुल्क शाम में ले जाने के बाद उनको अपने साथ दुकान पर बिठाया। अब वहाँ पे सामान लेने के लिए यहूदी ईसाई, इसलिए कि मुल्क शाम जो था वो ज़माने में ईसाई और यहूदियों का मरकज था, सबसे बड़ा सेंटर था। वो लोग आने लगे तो एक ईसाई राहिब ने
अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टिकटिकी बांधकर देखना शुरू किया, गौर से देखने लगा। थोड़ी देर तक देखता रहा, उसके बाद में चला गया। फिर आधे पौन घंटे के बाद वापस आया, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ देखता रहा, दुकान पे से कुछ सामान नहीं लिया और चला गया। फिर और थोड़ी देर के बाद आया, हजरत अबू तालिब को डर महसूस हुआ कि ये आदमी बार बार आके सिर्फ मेरे भतीजे को क्यों देख रहा है। उन्होंने पूछा कि भैया क्या बात है, आप ये तीसरी मर्तबा आए और आप मेरे भतीजे को ही देख रहे हो और दुकान पे से आपने कोई सामान नहीं लिया, क्या बात है। वो ईसाई राहिब कहने लगा कि देखो ये जो बच्चा है इसके पेशानी में नबूवत का नूर है और मैं देख रहा हूँ इसके चेहरे में वो तमाम सिफात मौजूद है जो दुनिया में आने वाले आखिरी नबी के अंदर होनी चाहिए थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा, इस बच्चे को फौरन इसी वक्त मक्का वापस भेज दो, अगर यहूदियों को पता चला तो वो इसको कत्ल कर देंगे। अब वो यहूदी तो क्या कत्ल करते, इसलिए कि अल्लाह ने अपने प्यारे नबी की हिफाजत का वादा किया था और अल्लाह को आखिरी नबी को दुनिया में मबऊस करना था और फिर पूरी दुनिया में आपके जरिए से दीन को फैलाना था। लेकिन वो जो ईसाई राहिब था उसने अपना जो डर था वो उनके सामने जाहिर किया। हजरत अबू तालिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरन अपने दो गुलामों के हाथ से जो है मक्का मुकर्रमा की तरफ भेज दिया। तो आपके बचपन से आपके चेहरे के अंदर वो तमाम सिफात मौजूद थी, वो तमाम क्वालिटीज जो आखिरी नबी के अंदर होना चाहिए। अब उसके बाद एक वाकया और मिलता है, जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 20 साल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वालों के साथ पार्टनरशिप में तिजारत शुरू की और तिजारत का माल लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्के शाम गए। इसलिए कि वो ज़माने में बिजनेस का सबसे बड़ा सेंटर मुल्के शाम को समझा जाता था और मक्के के जो लोग हैं, मक्के में जो पैदा होने वाली चीज़ें हैं जैसे जानवरों की खाले हैं उनको सुखा कर, उनको दबाकत करके और उसके अलावा जो है ऊन है और बहुत सारी जो चीज़ें मक्के में होती थी वो मुल्के शाम में ले जाकर बेचते थे और मुल्के शाम से जैतून का तेल है, दवाएं हैं, लोबान है, ये तमाम चीज़ें मक्के में लाकर बेचते थे। ये तिजारत चलती थी वो ज़माने में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और दूसरे मक्के वालों का माल लेकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मुल्के शाम की तरफ रवाना हो। अब जब मुल्के शाम के करीब पहुँचे, उसके बॉर्डर में दाखिल हो गए, शहर के जब करीब पहुँचे तो रास्ते में एक चर्च था, एक गिरजाघर था, वहाँ पर पानी का कुआं वगैरह था। काफले वाले रुक गए और उसमें से पानी लेकर पीने लगे। वो चर्च का जो पादरी था, जो पॉप था, जो राहिब था, उसने इन तमाम लोगों की दावत की। उसने कहा भाई मेरी तरफ से तुम तमाम लोगों की दावत है और तुम लोग खाना वगैरह खा के जाना। सारे लोग वहाँ पे रुक गए। थोड़े दूर पर एक जैतून का दरख्त था, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर उस दरख्त के नीचे बैठ गए। अब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नीचे बैठे, वो जो राहिब था वो बाहर निकला और उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि वो जो नौजवान है वो जैतून के दरख्त के नीचे बैठा हुआ वो कौन है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि देखो वो कबीले कुरैश से है, इज्जतदार आदमी है और अल्लाह के नबी की सिफात बयान की। वो राहिब कहने लगा उनके बारे में मैं आपको एक पेशनगोई देता हूँ, वो ये कि ये अल्लाह के आखिरी नबी है और इनके बाद कयामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है। लेकिन याद रखो जब ये नबूवत का ऐलान करेंगे इनके ख़ानदान वाले, इनके कबीले वाले, इनके बिरादरी वाले दुश्मनी पर तुल जाएंगे, इनको सताना शुरू करेंगे, ऐसे वक्त में तुम इनका साथ देना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मैं ज़रूर उनका साथ दूंगा, मगर मुझे वो रीज़न बताओ, वो वजह बताओ जिसकी वजह से तुमने ये पहचाना कि वो आखिरी नबी है, ऐसा क्या नज़र आया तुम। वो राहिब कहने लगा वो जो जैतून का दरख्त है उसके नीचे हजरत ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम के बाद से आज तक कोई भी आदमी नहीं बैठा। आज 550 साल हो चुके हैं उस दरख्त के नीचे कोई भी नहीं बैठा और ये जो बैठने वाले हैं
ये वो पहले इंसान हैं जो ये 550 से 600 साल के दरमियान में उस दरख्त के नीचे बैठे हैं। नबी के बाद हमने हमारे उस्तादों से ये सुना था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों से कहा था कि इस दरख्त के नीचे मेरे बाद अब अगर कोई बैठेगा तो आखिरी नबी बैठेगा, और मेरे उनके मानने वालों ने फिर उनके मानने वालों को फिर उनके शागिर्दों को फिर उनके शागिर्दों को वो बात अब मेरे तक पहुंची है और वो मेरे पास अमानत थी, मैंने तुमको पहुंचा दी। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद ये पहला नौजवान है जो उस दरख्त के नीचे बैठा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तमाम सिफात थी जिसकी वजह से यहूद व नसारा बचपन से ये जानते थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के आखिरी नबी है, मगर उन्होंने एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया सिर्फ जलन में और हसद में। और एक एक वाकया मिलता है वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिल गई, आप हिजरत करके मदीना चले गए, ग़ज़वा उहद के मौके पर दो यहूदी वो उहद पहाड़ के ऊपर बैठे हुए थे और मुसलमानों में और मुशरिकों में जंग चल रही थी। ऐसे वक्त में मुसलमान मुशरिकों के नरबे में जब घिर गए तो एक यहूदी दूसरे यहूदी से कहने लगा कि मुझे ये बता, क्या तेरा इस बात पर यकीन नहीं है कि ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे और पक्के नबी है? वो दूसरा यहूदी कहने लगा ये तो हम तमाम यहूदी जानते हैं। तो वो यहूदी दूसरा पहला जो यहूदी था वो कहने लगा जब हम सब जानते हैं तो आज ये मुश्किल और परेशानी में है, ये अल्लाह के नबी है, अगर हमने इनका साथ नहीं दिया कयामत के दिन तुम्हारे और मेरे से अल्लाह हिसाब लेंगे। ये वक्त हमारा हसद और जलन करने का नहीं है बल्कि उनका साथ देने का है। किताबों में ये बात लिखी हुई है कि बगैर ईमान में दाखिल हुए के वो यहूदी तलवार लेके घुस गया मुसलमानों की तरफ से लड़ने के लिए और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और उसके शहीद होने के बाद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली, आपने कहा कि वो एक अच्छा यहूदी था, उसके बारे में ये फरमाए, और उसके जन्नत में जाने में कोई शक नहीं है, भले ही उसने हुजूर के हाथ पर ईमान कबूल नहीं किया मगर आपका साथ देकर उसने ये जाहिर कर दिया कि वो आपके हाथ पर क्या लेकर आ गया भाई, ईमान लेकर आ गया मुसलमानों का साथ देने के लिए। आपकी नबूवत को उसने कबूल कर दिया, अल्लाह को तो ऑलरेडी यहूदी लोग मानते हैं उसमें कोई शक की बात है ही नहीं, लेकिन नबूवत को कबूल करके जब मैदान में उतर गया और बगैर कोई नमाज पढ़े के बगैर कोई रोज़ा रखे के डायरेक्ट कहाँ पर चला गया, जन्नत में गया। तो यहूदी जानते थे। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के अंदर खैबर के किलों का मुहासेरा किया और मुहासेरा जब बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो काब इब्ने अशरफ जो यहूदियों का सरदार था उसने सारे यहूदियों को जमा किया, सारे कबीले जितने भी थे उनके सरदारों को जमा किया और उनके मशवरे के मीटिंग में कहा कि है यहूदियों, जब तुम सारे के सारे ये जानते हो ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे और पक्के नबी है तो फिर तुम क्यों ईमान से रुके हुए? अब हमारे पास में कोई ऑप्शन बचा हुआ नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन ये बचा हुआ है कि हम या तो उनके हाथ पे ईमान कबूल करें। सारों ने बोले कि नहीं हम ईमान नहीं कबूल कर सकते। उसने कहा देखो फिर दूसरा काम ये करो कि शनिचर के दिन मुसलमानों पे हमला करो, वो गफलत में रहेंगे कि शनिचर को यहूदी हमला नहीं कर सकते। तो वो ये कहने लगा कि शनिचर तो हमारा एकदम मुकद्दस दिन है, उस दिन हम हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसने हथियार उन लोगों ने हथियार चलाने से इनकार कर दिया। फिर तीसरा ऑप्शन हमारे सामने ये है, अपने बच्चों को अपनी बीवियों को अपने औरतों को अपने हाथों से कत्ल करो और मैदान में उतरकर मुसलमानों से यहाँ तक लड़ो कि मुसलमानों में से कोई जिंदा बाकी ना रहे या हम में से कोई जिंदा बाकी ना रहे। अगर हम मर भी गए तो हमको अपने बच्चों और औरतों की तरफ से बेफिक्री रहेंगी। और ये हमारे सामने सबसे पहला ऑप्शन है। जब सारे लोग ये जानते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे और पक्के नबी है तो ईमान कबूल करो। ये एक वाकया उसका एग्जाम्पल है कि यहूदी पहले से जानते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे और पक्के नबी है, मगर सिर्फ और सिर्फ इसलिए उन्होंने ईमान को कबूल नहीं किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल की बजाय बनी इस्माइल में पैदा हुए थे। अब उसके बाद अगली सूरत में हम जाते हैं, सूरह जुमा के अंदर
सूरह जुमा जो है, ये सूरह जुमा, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने सारे जुमा के फजाइल बयान किए कि जुमा के दिन मुसलमान ने कैसे काम करना चाहिए, कौन से आमाल करना चाहिए और जुमा के दिन अपने आप को कैसे तैयार करना चाहिए। सबसे बड़ा जो काम इसमें अल्लाह ने बताया है वो ये कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैत। सबसे बड़ा काम जुमा के दिन करने का जो है वो ये कि जुमा की नमाज के लिए जब बुलाया जाए, अपनी दुकानों को, अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को, सबको बंद करो और फौरन कहां पर पहुंचो, मस्जिद में पहुंचो। और नमाज से जब तुम फारिग हो जाओ, अल्लाह फरमाते हैं फैदा खुदियत की सलाह फन तशीरु फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। नमाज से फारिग होने के बाद जाओ, अपनी दुकानें खोलो, अपना कारोबार शुरू करो और अपने कारोबार में लग जाओ। कोई अल्लाह की तरफ से मना नहीं है, मगर इस मामले में हम मुसलमानों की इतनी बड़ी सुस्ती ये होती है कि जुमा के दिन हम लोग खुतबे के टाइम का इंतज़ार करते रहते हैं। हम अपनी दुकान छोड़ने तैयार नहीं, हम अपना कारोबार छोड़ने तैयार नहीं। मुश्किल से वो वक्त जो होता है वो एक घंटे का वक्त होता है, 12:30-1 बजे अजान होती है, 1:30 बजे खुतबा होता है, 1:45-2 बजे तक नमाज हो जाती है, मगर जुमा के दिन हम वो घंटा 1.5 घंटा भी कारोबार बंद रखना नहीं चाहते। हालांकि मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये बरकत का फॉर्मूला है। अल्लाह फरमाते हैं वो जो लिमिटेड टाइम है, उतनी देर में अगर तुम अपने कारोबार को बंद रखोगे, उसके बाद का जो टाइम है उसमें बरकतें ही बरकतें तुम्हारे लिए होंगी। क्या होंगी भाई उसके बाद में? बरकतें ही बरकतें होंगी। इसीलिए हमारे मस्जिदों में देखो, जुमा का बयान शुरू होता है, लोग खाली होते हैं, मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं, और लोग आते हैं ऐन खुतबे के वक्त में, और खुतबे के वक्त में भी आते हैं तो खुतबे का जो सुनना है वो बैठकर सुनना वाजिब है, ज़रूरी है, पूरे एहतमाम के साथ, पूरे ध्यान के साथ। मगर जब मस्जिद में जगह नहीं मिलती, लोग वुज़ू खाने में और इधर उधर खड़े हुए होते हैं, वो खुतबे की बेअदबी है। हालांकि खुतबा ऐसी चीज़ है, उस वक्त में जो दो फरिश्ते मस्जिद के गेट पे बैठे खड़े हुए होते हैं और वो एक दूसरे से कहते हैं कि जितने लोग मस्जिद में आ रहे हैं उनके नाम लिखो, उनके नाम लिखे जाते हैं, उनको ग्रेड दिया जाता है। जो पहले आने वाले रहते हैं उनको फर्स्ट ग्रेड मिलता है, उसके बाद आने वालों को सेकेंड ग्रेड मिलता है। जितना लेट जो आएगा उसका ग्रेड उतना कम होता रहेगा। और जब खुतबे के लिए इमाम मिंबर पे बैठता है तो वो फरिश्ते एक दूसरे से कहते हैं अब ये जो फाइल है इसको बंद करो और इमाम का खुतबा सुनने के लिए बैठ जाओ। उस वक्त में वो फरिश्ते भी खुतबा पूरे ध्यान और तवज्जो से सुनते हैं। इसके लिए मेरे भाइयों, जुमा के दिन हमने इसका एहतमाम करना चाहिए। और आप देखो, ये चीज़ सिर्फ हमारे यहाँ पर आपको मिलेंगी, वरना आप दूसरे इलाकों में जाओगे, जैसे गुजरात का इलाका है, बॉम्बे का इलाका है, आप बॉम्बे की जामा मस्जिद में कभी जुमा की नमाज़ पढ़ के देखो, आपको मैं गारंटीड कहता हूँ जुमे की अजान के बाद में आपको नीचे के हिस्से में बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी। इसलिए कि लोग 11 बजे से आकर जगह पकड़ना शुरू कर देते हैं, 12 बजे तक तो पहली और दूसरी सफ़े मुकम्मल हो जाती है, और अजान का जब वक्त होता है तब तक पूरा हिस्सा मुकम्मल होता है, क्योंकि वहाँ नमाज की तरतीब ऐसी है कि जुमे की अजान के बाद मुश्किल से एक 10-15 मिनट बाद में जो है जुमे का खुतबा शुरू हो जाता है और बयान वहाँ पे जुमा की नमाज के बाद में होता है। तो लोग पहले से मस्जिद के अंदर जाके जगह पकड़ लेते हैं, और थोड़ा सा अगर आप लेट पहुँचेंगे तो आपको ऊपर के हिस्से में भी जगह नहीं मिलेंगी। क्यों? वो लोगों के हमारे से बड़े बड़े कारोबार हैं, हमारे से बड़े बड़े बिजनेस हैं, करोड़ों का वो लोग टर्नओवर करने वाले हैं, मगर उन लोगों के अंदर जुमा का इतना अदब है, वो अपनी दुकानों के बाहर एक कपड़ा लगा देते हैं, गैर मुस्लिम नौकर को बाहर बिठाते हैं, जो कस्टमर आए उससे ये कहना कि जुमा की नमाज के टाइम पर हम लोग बिजनेस नहीं करते, घंटे भर के बाद में दुकान खुलेगी। और अल्लाह ताला उनको जो नवाज रहा है, जो कारोबार में बरकत दे रहा है, वो ये सिफत की वजह से। इसलिए भाई हम भी जुमा के दिन अपनी अपनी दुकानों को जुमा के वक्त में, पूरा दिन नहीं बंद करना है, कितनी देर के लिए, घंटे भर के लिए, आधे घंटे के लिए, लेकिन उसके बाद अल्लाह का वादा है जब तुम नमाज के बाद दुकान खोलोगे, अल्लाह रोजी के दरवाजे तुम्हारी दुकान में खोल देगा और तुम खुद वह बरकत को अपने कारोबार में महसूस करोगे। किसका हुक्म है ये?
अल्लाह का हुक्म है, जब अल्लाह ने वादा किया तो वो बरकत भी देकर रहेगा। तो जुमा के दिन सबसे बड़ा करने का काम ये है। उसके अलावा बहुत सी सुन्नतें हैं, वो हम सब जानते हैं। सुबह जल्दी उठना, गुसल करना, अच्छे कपड़े पहनना, इत्र लगाना, मस्जिद जल्दी जाना, पहले सब में जगह तलाश करना, खुतबे को ध्यान से सुनना, सूरह कहफ की तिलावत करना। उसके बाद हम अगली सूरतों में आते हैं। इसके बाद जो सूरत है वो सूरह मुनाफिकून है। सूरह मुनाफिकून जो है इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन का जिक्र फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सन 5 हिजरी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे बनुल मुस्तलिक के लिए रवाना हुए। उनके साथ में जो मुनाफिकीन का सरदार था इब्ने उबई जिसका नाम था वो भी था। वापसी के अंदर उसने ऐसा फितना पैदा किया कि मुहाजिरीन और अंसार जो सहाबा थे उन दोनों को लड़ाने का काम किया। अब वो एक आदमी की वजह से आपस में सहाबा एक दूसरे से लड़ने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया इनको कंटिन्यू सफ़र में रखो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंटिन्यू उनको सफ़र में रखते रखते मदीने तक आपने जो है यहाँ तक किताबों में लिखा हुआ है, लोग जब एकदम थकावट से परेशान हो गए और थकने की वजह से वो लड़ाई झगड़े को भूल गए, उसके बाद अल्लाह के नबी ने रुकने का हुक्म दिया। और फिर जो इब्ने उबई था मुनाफिकीन का सरदार, उसने सहाबा से कहा, अरे बोले ये मुसलमान जो है मुहाजिरीन ये तुम्हारी वजह से सिर पे चढ़े हुए हैं, अगर तुम इनका साथ नहीं देते, इनको माली मदद नहीं करते तो फिर इनकी इतनी हिम्मतें भी नहीं बढ़ती थी। ठीक है, कोई बात नहीं है भाई, जब हम मदीने में पहुँचेंगे, मदीने में पहुँचने के बाद हम इज्जत वाले इन जलीलों को बाहर करके निकाल देंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को ये चीज़ पसंद नहीं आई। उसके बाद की आयत में अल्लाह ने कहा कि वलिल्लाहि इज्जतु वली रसूलिहि वलिल मोमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यफ्तहून। इज्जत तो अल्लाह के लिए है, उसके नबी के लिए है, मोमिनीन के लिए है, लेकिन ये मुनाफिकीन उसको नहीं समझते। और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की शान में ये आयत नाजिल की। लेकिन देखो हमारे नबी के अखलाक, जब वही अब्दुल्लाह इब्ने उबई जो मुनाफिकीन का सरदार था उसके इंतकाल का वक्त करीब आया, उसने वसीयत की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने करीब बुलाया और बुला के आपका हाथ पकड़ कर ये कहा कि अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बस मरने से पहले ये चाहता हूँ कि मरने के बाद आप मुझे गुसल दे, आप मुझे कफन पहनाएं, आप मेरी नमाज जनाजा पढ़े और आप मेरे को कब्र में उतारें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुनाफिक जिसने सारी ज़िंदगी आपको सताया, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुसल दिया, अपने हाथों से कफन पहनाया, अपने हाथों से नमाज जनाजा पढ़ाई, उसको कब्र में उतारा। सहाबा इकराम नाराज़ हो गए, अल्लाह ने भी नाराज़गी जाहिर की और कुरान में कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तग़फिर लहुम औला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम 70 मरतन फलन यग़फिरल्लाहु लहुम। अगर ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अब्दुल्लाह इब्ने उबई जो है, इसके लिए तुम चाहे एक मर्तबा माफ़ी मांगो या 70 मर्तबा माफ़ी मांगो, उसके बावजूद अल्लाह इसको माफ़ करने वाला नहीं। हज़रत उमर कहने लगे कि देखो हुजूर, आपने इब्ने उबई के लिए जो है दुआएं मग़फ़िरत की और अल्लाह तो कहते हैं कि उसको माफ़ नहीं करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने 70 मर्तबा की कैद लगाई है, ये मेरा उम्मती है, मैं इसके लिए 71 मर्तबा मग़फ़िरत की दुआ मांगूंगा। ये थे हमारे नबी के अखलाक। ये सब चीज़ें हम लोगों के सीखने के लिए है, ये बयान में बोलने के लिए नहीं। वरना हमारे ज़माने में आज हमारे नफ्स जो है वो इतने मोटे मोटे हो चुके हैं कि मुनाफिकीन यहूद और नसारा को तो दो छोड़कर हमारे जो मुसलमान और ईमान वाले भाई हैं जिनके साथ हम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, जिनके साथ उठते और बैठते हैं, हम उन मुसलमान भाइयों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। हम उन मुसलमान भाइयों के साथ अखलाक और इकराम का मामला करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि फिर हमारी काय की दीनदारी, फिर हम काय के रोज़े रख रहे, फिर हम काय की तरावियां पढ़ रहे, फिर हम काय की दीन की बातें कर रहे, फिर हम काय के जो है बड़े बड़े जिम्मेदार बन के बैठे हुए हैं, जब हमारे दिलों में हमारे दूसरे मुसलमान भाइयों का इकराम नहीं है। जबकि हमारे बुजुर्गों की जिंदगियों को अगर हम उठाकर देखेंगे, हमारे बुजुर्गों ने शराबियों के साथ, कबाबियों के साथ,
जुआरियों के साथ, जानियों के साथ, बदकारों के साथ प्यार का, मोहब्बत का, अखलाक का ऐसा मामला किया, उनको उठाकर वलियों की कुर्सी पर बिठा दिया। ये हमारे बुजुर्गों के अखलाक थे और प्यार से, मोहब्बत से, हिकमत से। लेकिन आज हमारे अंदर से ये तमाम सिफात निकल चुकी है, इसीलिए हम लोग देखते हैं आज हमारे मस्जिदों का क्या हाल है। ये हमारे बद अखलाकियों की वजह से, क्योंकि हमको अपने छोटों को लेकर चलना नहीं आता, हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, वक्त काफ़ी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जो तफ़सीरें आपके सामने बयान हुई हैं, ये तमाम बातें अमल करने के लिए हैं। मैं आप लोगों को और आपके यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, उन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। माशाअल्लाह, अल्लाह बिचारों को जज़ाए खैर अता फरमाए कि हर साल ऐसा एहतमाम मेरे ख्याल से लोग करते होंगे दूसरी जगह, मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर माशाअल्लाह हमारे मुफ्ती साहब की रहबरी में और दूसरे साथियों की रहबरी में जो आप लोग एहतमाम करते हैं 21 को, 23 को, 25 को, 27 को, 29 को जगने का और शबे कदर की तलाश करने का, अल्लाह आप तमाम लोगों को जजाए खैर अता फरमाए। यहाँ के जितने जिम्मेदार हैं उनको जजाए खैर अता फरमाए, हमारे मुफ्ती साहब को जजाए खैर अता फरमाए, हमारे नौजवान जो साथी है इनको जजाए खैर अता फरमाए। और मैं क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर लोगों को नहीं पहचानता हूँ, जो मेरे पुराने पहचानत में है, हमारे रेंज हिल के अमीर साहब है वो है, और हमारे अब्दुल्ला भाई है और कुतुबुद्दीन भाई है, उनके अलावा हमारे बुज़ुर्ग हमारे खड़की के हैं और हमारे अहमद चाचा है, उनके फर्जंद है, उनके अलावा हमारे दूसरे भी यहाँ पे जो है खड़की के जो साथी आए हुए हैं, आपके दामाद हाजी फैयाज साहब माशाअल्लाह, ये तमाम जो लोग हैं, अल्लाह ताला इन तमाम को जजाए खैर अता फरमाए। और देखो, इसी तरीके से प्यार से, मोहब्बत से, दीन का कोई भी तकाजा रहो, हम एक दूसरे का साथ देते हुए दीन के कामों को करते रहेंगे, इंशाअल्लाह इसके असरात हम अपने महलों में भी महसूस करेंगे, अपने बस्तियों में भी महसूस करेंगे, अपने घरों में भी महसूस करेंगे। तो ऐसे लोगों का हम हमेशा साथ देते रहेंगे भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں میں پیار محبت پیدا فرما، آپس میں جوڑ پیدا فرما، آپس کے توڑ سے ہم تمام کی حفاظت فرما، اے اللہ جو قرض خواہ ہے، قرض جو ہے اللہ جو قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما، اے اللہ جو ہمارے نوجوان روزی روزگار کے لیے پریشان ہیں ان کو روزیاں عطا فرما، جو جاب کے لیے پریشان ہیں ان کو اے اللہ بہترین روزی عطا فرما، جو بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں ان کو علم کی ترقیات سے نوازنے کے فیصلے فرما، اے اللہ جن کی بیٹیاں اپنے گھروں میں ہیں ان کے لیے اے اللہ رشتوں کے انتظامات فرما، اے اللہ جو بے اولادیں ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا فرما، اے اللہ بہت سے مسلمانوں کی اپنی اپنی پریشانیاں ہیں، اے اللہ تمام کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ نصیب فرما، تمام عالم کے مسلمانوں کی حفاظت کے فیصلے فرما، تمام عالم میں ہمارے مسجدوں کے، مدرسوں کے، خانقاہوں کے حفاظت کے فیصلے فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا Thank you.